हेलो चैंपियंस, मैं हूं महेश मानकर और आई विल मेक यू रीच के पहले एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर आप लाइफ में कुछ चीजों को नोटिस करेंगे तो आप उसमें से एक चीज को सबसे पहले नोटिस करेंगे कि पूरी दुनिया में कुछ अमीर लोग होते हैं और कुछ गरीब लोग होते हैं। देखिए, हर एक इंसान अमीर नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक इंसान गरीब होता है। एक प्रपोर्शन है, यू नो, कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं। लेकिन चैंपियंस, आप लोगों को एक चीज हमेशा दिमाग में रखनी पड़ेगी कि आपको गरीबी से उठकर अमीरी में जाने के लिए वक्त नहीं लगता। आपको सिर्फ चाहिए एक प्रॉपर टेक्निक, एक प्रॉपर गाइडेंस, जिससे आप यू नो गरीबी से उठकर अमीरी में जा सकते हो। तो अगर आपने कहीं ना कहीं उस टेक्निक को सीख लिया और उस टेक्निक को अपने अंदर में इम्प्लीमेंट कर दिया, तो हो सकता है कि आप भी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बनो और आप अमीर बनो। तो आज हम लोग इसी की सबसे पहली टेक्निक को सीखेंगे। और आप मुझसे एक कमिट जरूर कीजिएगा, आप मुझसे एक प्रॉमिस जरूर कीजिएगा, नीचे लिखिए कमेंट बॉक्स में कि आई प्रॉमिस आई विल इम्प्लीमेंट दिस, राइट? तो सबसे पहली चीज आपको लाइफ में यू नो अपने याद रखनी है दैट यू डोंट हैव टू वॉच टेलीविजन। दिस इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड द पुअर पीपल। आप लोग क्या करते हैं ना, अपना मैक्सिमम समय जो है वो टीवी के सामने बिताते हैं, जिसके वजह से आप कहीं ना कहीं अपने वर्क एफिशिएंसी में पीछे रह जाते हैं। देखिए, अमीर लोग जो है ना, इंस्टेड ऑफ वॉचिंग टीवी, टेलीविजन देखने की जगह वो रीडिंग बुक्स प्रेफर करते हैं। तो आपने क्या करना चाहिए, टेलीविजन सेट्स की तरफ अगर आपका ध्यान गया, आपने ऐसा सोचा कि अगर आपकी कोई इंपॉर्टेंट सीरियल आ रही होगी या फिर आपका कोई इंपॉर्टेंट शो आ रहा होगा, तो प्लीज आप अपने माइंड को कंट्रोल कीजिए, टीवी से ध्यान हटाइए और बुक्स की तरफ जाइए। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको दो चीजें, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा इस कंट्रोलिंग पावर की वजह से आपके ऊपर क्या बेनिफिट होगा। देखिए, सबसे पहला, टीवी जो हमारे दिमाग में जनरेट करता है उसको बोलते हैं हम अनरियलिस्टिक थॉट प्रोसेस। अब अनरियलिस्टिक थॉट प्रोसेस यानी क्या, मान लेते हैं अगर आप टेलीविजन सेट के सामने बैठे हुए हैं और आप कोई एक्शन मूवी देख रहे हैं, राइट? तो कहीं ना कहीं वो एक्शन मूवी में कोई एक्शन सीन आपके सामने आएगा, तो वो आपको कहीं ना कहीं एक परफॉर्म, यू नो, आपको परफॉर्म करने की इच्छा होगी, आपको ऐसे लगेगा कि काश मैं ये कर पाता। तो आप क्या कर रहे हो, अपने रियल माइंड स्टेट से अनरियलिस्टिक माइंड स्टेट की तरफ जा रहे हो, अनरियलिस्टिक थॉट प्रोसेस की तरफ जा रहे हो, तो वो एक बहुत गलत चीज है। मान लेते हैं कि आजकल के सीरियल्स में भी बहुत कुछ बताया जा रहा है, फालतू की चीजें भी बताई जा रही है, न्यूज भी फालतू हो चुका है, सो दैट इज ऑल अनरियलिस्टिक। तो कहीं ना कहीं अनरियलिस्टिक थॉट प्रोसेस में आप जाते हो। लेकिन अगर वही आप किताबें पढ़ोगे, इफ यू विल रीड बुक्स, अगर आप किताबें पढ़ोगे तो आप 101% वहां से रियलिस्टिक थॉट प्रोसेस को जनरेट करोगे। देखिए, किताबों में सिर्फ वो चीजें छपती है जो रियलिस्टिक होती है। अगर वो रियलिस्टिक प्रोसेस में आप रहोगे, रियलिस्टिक वर्ल्ड में आप रहोगे, तो कहीं ना कहीं आपकी जो वर्क एफिशिएंसी है वो ज्यादा बेहतर रहेगी दूसरे लोगों के कंपैरिजन में। तो ये पहली चीज है, टेलीविजन कैन लाइक यू नो टेक यू टू द अनरियलिस्टिक थॉट प्रोसेस। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, अननेसेसरी थॉट प्रोसेस। देखिए, अगर आप टेलीविजन देखते हो तो आपको वहां से आजकल सिर्फ कचरा मिल रहा है, न्यूज चैनल भी ऐसे लगता है कि बिके हुए हैं बहुत। हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ न्यूज चैनल अच्छे भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को वैसा आउटपुट नहीं मिल रहा है जैसा मिलना चाहिए। और कहीं ना कहीं बाकी के सीरियल्स, बाकी के मूवीज, ये सब सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कचरा भरा है। मैं प्रेफर करता हूँ मूवी देखना, लेकिन कौन सी जिससे मुझे कुछ सीखने मिले। तो वो अननेसेसरी थॉट प्रोसेस जब आपके दिमाग में आता है ना, तो आपके दिमाग में कचरा भर जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी थिंकिंग कैपेसिटी जो होती है वो कहीं ना कहीं कम होना शुरू हो जाती है। सो अगर आप बुक पढ़ोगे तो आपका जो अननेसेसरी थॉट प्रोसेस वाला फैक्टर है ना, वो हट जाएगा, वहां से नेसेसरी फैक्टर, नेसेसरी थॉट प्रोसेस शुरू हो जाएगा। क्योंकि बुक में से अगर आप रियलिस्टिक चीज को उठा रहे हो और उसको अपने दिमाग में फिट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए नेसेसरी। किताबों से देखिए, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ कि गूगल आपको यू नो नॉलेज देगा, लेकिन गूगल से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नॉलेज किताबें आपको दे सकती है। अगर आप किसी भी किसी भी रिच पर्सन को उठा के देख लीजिए, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो स्टीव जॉब्स हो, चाहे वो वॉरेन बफेट हो, चाहे वो कि जेफ बेजोस हो, तो अगर आप इन लोगों को नोटिस कीजिए, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग किताबों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। मार्क जकरबर्ग भी किताबें पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को रोकिए, टेलीविजन सेट्स के सामने बैठने से रोकिए और मैक्सिमम किताबें पढ़िए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको एक किताब एक दिन में पढ़नी है, आप एक किताब एक वीक में कंप्लीट कीजिए,
आपके हिसाब से आपको जैसे सुटेबल होता है वैसे सुटेबल तरीके से उसको पढ़िए, लेकिन हाँ टेलीविजन सेट से दूर रहिए। तो ये था आज का हमारा सबसे पहला टेक्निक जो आपने सीखा आई विल मेक यू रिच के सबसे पहले एपिसोड में। और हम लोग मैं फिर से आपके सामने आऊंगा कल एक नया और एक फ्रेश एपिसोड लेके, एपिसोड नंबर 2 में कल मैं आपसे मिलूंगा दोस्तों। लेकिन एपिसोड नंबर 2 अगर आप चाहते हैं कि आप सबसे पहले देखें या फिर आप एपिसोड 2 को मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन जो आएगा हाँ उसे जरूर क्लिक कीजिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिए और मैंने जो बोला था नीचे कमेंट बॉक्स में कि आई प्रॉमिस करके लिखो तो लिखो, क्योंकि आपको करके दिखाना पड़ेगा बस, क्योंकि अगर आपने अभी नहीं किया ना तो फिर आप कभी नहीं करोगे। तो आप अपने लाइफ में ये प्लीज पहले टेक्निक को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जितनी जरूरत कामयाबी की आपको है आपके दोस्तों को भी है दोस्तों। तो मैं महेश मानकर आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ मैं कल के फ्रेश एपिसोड में।